जय दोस्तों, तो ओकेक एक्सचेंज का जो टोकन है ओकेबी, वो 50% से ज्यादा नीचे गिर गया है। एंड बिटकॉइन में भी डंप देखने को मिला है। इथेरियम 5 से 6% नीचे चला गया है। डिटेल में समझेंगे कि आखिर मार्केट में क्रैश क्यों आ रहा है। एंड आइस और ओकेएक्स एक्सचेंज का क्या लड़ाई चल रहा है। ओकेएक्स एक्सचेंज एक स्कैम है, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले बात करेंगे आइस नेटवर्क के बारे में, क्योंकि मामला यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस है। ओकेएक्स एक्सचेंज को एक स्कैम एक्सचेंज बोला गया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, आइस टोकन भी डंप किया, और उसके बाद सडनली ओकेएक्स एक्सचेंज का जो टोकन है वो 50% एक दिन में डाउन चला गया है। और आइस नेटवर्क ने बोला है कि वो ओकेएक्स एक्सचेंज पे केस करने वाले हैं। तो ये तीन चार चीज मिल करके बहुत बड़ा मसला बना रही है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रॉब्लम हुआ कहाँ और किस तरीके से हुआ। आप एक्स वाई जेड कंट्रीज से हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप आइस की माइनिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आइस की माइनिंग कर रहे हो, और आपने ओकेएक्स एक्सचेंज का वॉलेट एड्रेस डाला है। ठीक है, क्या डाला है, ओकेएक्स एक्सचेंज का वॉलेट एड्रेस डाला है। तो जैसे ही आइस लिस्ट हुआ, ओकेएक्स ने आपको नोटिस भेजा, नोटिफिकेशन भेजा, आप वहां पे बाय सेल कर पा रहे हो। लेकिन एक्स वाई जेड कंट्री का लोग जिनको कि आइस माइनिंग में नहीं मिला, वो खरीदना चाहते हैं, तो ओकेएक्स एक्सचेंज वाले उसे खरीदने ही नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट साइड से प्रोजेक्ट का कहना है कि जिनको टोकन माइनिंग में मिल चुका है वो तो खरीदेंगे नहीं, हमारा टोकन नया यूजर खरीदेंगे। लेकिन नए यूजर को आप खरीदने के लिए दे ही नहीं रहे हो, नए यूजर को ट्रेडिंग के लिए आपने रोक रखा है, आइस सर्च कर रहा है तो आइस आ ही नहीं रहा है। तो भाई हमारी लिस्टिंग तो फेल हो गई ना सर, हमारी लिस्टिंग तो फ्लॉप हो गई। लिस्टिंग क्यों कराता है, ताकि नए यूजर्स आए, क्योंकि जिनके पास ऑलरेडी माइनिंग से टोकन है वो खरीदेगा क्यों, क्योंकि वो तो बेच करके पैसा बनाने का सोचेगा, डॉलर में कन्वर्ट करने का सोचेगा, लेकिन खरीदेगा नया लोग, और नए लोगों को ओकेएक्स एक्सचेंज खरीदने ही नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा होता ना कि हाँ इंडिया वाले को खरीदने दे रहा है, पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान को खरीदने दे रहा है, बांग्लादेश को नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही कंट्री के दो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से खो रहे हैं। अगर रूल्स आपका एक कंट्री के लिए कि एक्स वाई जेड कंट्री में ओकेएक्स एक्सचेंज नहीं चल रहा है, तो सबके लिए नहीं चलना चाहिए। लेकिन एक यूजर जिनको कि आइस मिला है वो बाय सेल कर पा रहा है, और जिनको नहीं मिला है वो बाय कर ही नहीं पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, और ये रियल प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जाएंगे ट्विटर के नीचे तो आपको दिखेगा हजारों लोगों ने ओकेएक्स का यूआईडी शेयर किया है। देखो यूक्रेन में, इन अलग अलग जगह से, ठीक है, कोई यूक्रेन में, कोई रशिया में, पता नहीं कहाँ, कोई साइप्रस में है। आइस नेटवर्क खरीदने के लिए दे ही नहीं रहा है, मतलब वहां पे टोकन को ट्रेडिंग नहीं करने दे रहा है। तो दिक्कत यही होगा कि कोई भी नया प्रोजेक्ट है, जब आप उसको खरीदने नहीं दोगे तो वो प्रोजेक्ट ऊपर कहां से जाएगा। तो आइस लिस्ट हुआ, फिर धीरे धीरे नीचे आ गया। तो अगर वो आइस लिस्ट हुआ और हाइप जितनी बनी थी, अगर ओकेएक्स एक्सचेंज सबको नोटिफिकेशन डालता, जो कि नई लिस्टिंग के टाइम डालना चाहिए, तो सारे लोग खरीदते, नए लोग खरीदते, तो ये और पंप करता। तो ओकेएक्स एक्सचेंज ने एक तरीके से बोला जाए तो आइस की लिस्टिंग को कंप्लीटली बर्बाद कर दिया। ये एक फैक्ट है, लिस्टिंग हुआ, जो टोकन हो सकता था और 20-30-40-50 या फिर 100% पंप कर जाए, उसको डंप कराने में ओकेएक्स एक्सचेंज का यहाँ पे रोल नजर आएगा आपको, क्योंकि इन्होंने नए यूजर को खरीदने नहीं दिया। ये थी एक तरफ की कहानी। दूसरी तरफ की कहानी भी हमें जान लेनी चाहिए कि ओकेएक्स एक्सचेंज का क्या कहना है। तो ओकेएक्स एक्सचेंज का कहना है कि हमारा जो ऐप है ना, वो हर जगह नहीं चल रहा है, कुछ जगह रेगुलेशन की वजह से हमारा ऐप नहीं चल रहा है, वो मानने वाली बात है। लेकिन एक ही कंट्री में, एक ही रूम में बैठा हुआ दो यूजर जिसको कि आइस रिसीव हुआ माइनिंग से, उसके लिए आपका ऐप काम कर रहा है, और दूसरे यूजर जो कि उसी रूम में बैठा हुआ है, उसको रिसीव नहीं हुआ, तो आइस उसके लिए काम नहीं कर रहा है, ये कैसा रेगुलेशन है। आइस टीम ने यही पूछा है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। फिर लेकिन थोड़े टाइम बाद जवाब आया, तो आइस नेटवर्क के जवाब में इन्होंने बोला है, जो कि ओकेएक्स के सीईओ है, इन्होंने बोला है कि अगर रेगुलेशन को साइड कर दिया जाए तो हमारा एक प्रोटेक्शन पर्सपेक्टिव है कि हम यूजर को रिस्की टोकन खरीदने नहीं देते हैं। यहाँ पे मजाक कर दिया इन्होंने, सच बोल रहा हूँ मैं, मजाक इन द सेंस, अगर आपको लग रहा है कि आइस टोकन एक रिस्की टोकन है पहली चीज, तो फिर आपने आइस के साथ पार्टनरशिप क्यों किया। पार्टनरशिप करते हुए टाइम तो आप बड़ा सारे लोग बोल रहे थे ओकेएक्स और आइस का एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है, क्योंकि इनके पास मिलियन में फॉलोअर्स था, इनके ऐप पे लाखों लोग माइनिंग कर रहे थे, तो आपको पता था कि लाखों लोग हमारे एक्सचेंज पे भी आएंगे, और जब लिस्टिंग हो चुकी है, लाखों लोग आपके एक्सचेंज पे आ चुके हैं, तो आप बोल रहे हो कि भाई आपका प्रोजेक्ट रिस्की है, इसीलिए हमने लोगों को इसको खरीदने से रोका है। मतलब हिपोक्रेसी की भी उन्होंने कोई सीमा ही नहीं रखी। यहाँ पे ये ट्वीट बिल्कुल मजाक है, सच बता रहा हूँ मैं। हालांकि मेरे पास ओकेएक्स वॉलेट भी है, मैं यूज भी करता हूँ, अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो सीईओ इनके बोल रहे हैं ये कम्प्लीटली मजाक है। 10 दिन पहले जब आप एक प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप कर रहे थे, जब तक आपके पास उनके लिए रेफरल्स आ रहा था, जब तक आपका कमाई उनके यूजर से हो रहा था, तब तक आपका जो आइस प्रोजेक्ट था ओकेएक्स वाले के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। लेकिन जब
एक बार लिस्टिंग हो गई, लिस्टिंग हो गई तो आप लोग OKX के पास क्यों जाएंगे? ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, अलग अलग एक्सचेंजेस पे भी आ चुका है, डेक्सेस पे आ चुका है, तो अब OKX वाले बोल रहे हैं कि क्योंकि आपका टोकन रिस्की था इसीलिए हमने ऐसा किया है। तो अब आप ही सोचो, 2 दिन पहले बोले थे आप मेरे भाई, 2 दिन पहले, 2 दिन बाद बोल रहे हो कि नहीं आपको मैं नहीं जानता। तो यही पूरा मामला है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो पहली चीज ये कि आइस नेटवर्क ने आपसे कुछ लिया नहीं है बल्कि आपको दिया है, तो उनको सपोर्ट डेफिनेटली करना चाहिए। दूसरी चीज, OKX एक्सचेंज एक रेप्यूटेड एक्सचेंज है, मैं उम्मीद करूंगा इनके CEO वगैरह जो भी है मिल करके मैटर को सोल्व करो। ये बच्चों वाला ट्वीट करना बिल्कुल बेवकूफी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप बहुत बड़ा एक्सचेंज हो, आइस भी बहुत बड़ा यूजर बेस वाला प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट है, दोनों को मिलकर के प्रॉब्लम सोल्व करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे क्या होगा, OKX में भी निगेटिविटी फैलेगी, आइस प्रोजेक्ट में भी निगेटिविटी फैलेगी, और दोनों का असर हमें प्राइस ग्राफ पे देखने को मिल रहा है। एक दिन में इतना बड़ा एक्सचेंज का टोकन 50% गिरा है भाई साहब, 50%। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आइस टीम ने बोला केस करेंगे इसीलिए डर से गिर गया है ये, और कितना गिरा है 52-53%। इतना बड़ा एक्सचेंज का टोकन 53% गिरा है, एंड आइस टोकन भी धीरे धीरे अच्छा खासा नीचे गया था। तो ये दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक है, मेरे हिसाब से दोनों को मिल करके इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको रिलैक्स रहना चाहिए। जैसे ही आइस नेटवर्क की टीम अगर अपडेट करती है कि हमें अपना वॉलेट एड्रेस OKX से चेंज करके हटा लेना है, हम हटा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड आइस नेटवर्क को लेकर के कुछ लोगों को KYC 3 में प्रॉब्लम हो रहा है, तो KYC 3 में प्रॉब्लम उनको हो रहा है जिनको KYC 2 जिन्होंने नहीं किया था, यानी कि एक ही सवाल आ रहा है और बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो देखो, मैंने ट्विटर वेरीफाई कर लिया था तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, तो मेरे पास सवाल नहीं है तो मैं आपको जवाब कैसे दूं? तो अगर आप लोग जो कि हमसे जुड़े हुए हो, अगर आपके पास सवाल आ रहा है और आपको आंसर नहीं पता, तो पहली बात आपको इनका व्हाइट पेपर पढ़ना चाहिए, आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा जनवरी का जिसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था, इस बार गलती मत करना, वॉलेट एड्रेस सही डालना, KYC करके रख लो, फरवरी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जल्द होने वाला है। दूसरी चीज जो कि मार्केट के बारे में बात करेंगे कि मार्केट को क्या हुआ है, मार्केट को हुआ क्या है, क्यों इतना नीचे जा रहा है, इथेरियम इतना नीचे चला गया है, बिटकॉइन इतना नीचे चला गया है। तो बस एक ही चीज बोलूंगा जो कि मैंने पहले भी बोला था, डेली एंड वीकली कैंडल ओपन करो तो आपको दिख जाएगा कि डेली वीकली में हम कहां से नीचे से आ रहे हैं, बहुत नीचे से आ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत पंप डंप चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2-5% डंप करता है तो डरने लगते हो, और 10% पंप करता है तो आप खुश भी नहीं होते हो, तो ये थोड़ा सा गलत चीज है, राइट? अगर इतना पंप किया है तो डंप भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब हम आते हैं क्यों डंप किया, ये भी एक रीजन होता है। तो वही चीज जो कि पिछले 1.5 साल से हमें सता रहा है, 2 साल से सता रहे, FTX। जी हाँ, सैम बाबा जो है वो कहीं जाकर के जेल में बंद है, निकले पता नहीं उनका। देखो होता क्या है कि FTX ने बैंकरप्सी फाइल की, आप सबको पता है, हमने एक्सप्लेन भी किया था। बैंकरप्सी में होता क्या है, जाकर के बोलते हैं सर हुजूर हमसे ना हो पाएगा, जो हमारा एसेट्स है उसको बेच बाज के सबसे पैसा दो, सबको वापस कर दो, राइट? जो क्रेडिटर्स है उनको पैसा वापस करो। और क्या, कैसे होता है ये चीजें, लिक्विडेट करके। लिक्विडेट क्या करते हैं, जो एसेट्स होता है, राइट? मतलब कि आपने अगर लोन लिया, आप बैंक को लोन चुका नहीं पाओगे तो बैंक आपका क्या करेगा, घर जो है आपका, घर का पेपर लेके चला जाएगा, आप फिर भी पैसा नहीं दोगे तो घर को नीलाम कर देगा। तो उसी तरीके से FTX के पास जो एसेट थे उसमें 1 बिलियन का ग्रे स्केल बिटकॉइन ETF, क्योंकि ये पहले ट्रस्ट था, $1 बिलियन बेचा है। जी हाँ, बहुत बड़ा नंबर्स होता है, $1 बिलियन इतना बड़ा नंबर्स होता है कि जो मीम कॉइन है ना छोटे मोटे, जैसे बेबी डोज कॉइन, बिटगेट ब्राइज करके कोई था, इन सब का सारा पैसा मिला लोगे तो 1 बिलियन के करीब नहीं पहुंचेगा। तो इतना पैसा का बेचा है FTX वालों ने, इसीलिए मार्केट रो रहा है। एंड ओवरऑल जो GBTC का ट्रस्ट है जो कि अब ETF में कन्वर्ट हो चुका है, उसमें 2 बिलियन तक का बिका है, तो 2 बिलियन बहुत बड़ा नंबर है, इसीलिए थोड़ा डंप आ रहा है। तो आपको अपॉर्चुनिटी देखना है, यहाँ पे डरना नहीं है। अगर ये इस बार इसके पास आता है, जब प्राइस यहाँ पे था, हमने बोला कि अगर यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है तो इस बार यहाँ पे आगे रुकेगा नहीं, क्योंकि पिछले बार रुक चुका है, इसको भी ब्रेक कर सकता है। एंड हमने देखा कि यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट 7% गिरा, और $40,200 के बारे में हमने बोला था कि इस बार इस पे नहीं रुकेगा, इसको भी ब्रेक कर सकता है, और ब्रेक करके ये 38,500 तक चला आया। तो अभी हमारे पास रिस्क है। अब ये जो पहले सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बन गया है, वापस ऊपर कितना भी जाता है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलेगा तो चांसेस आर देयर कि हम ऊपर जाएंगे। और ये इसका बेसिक मतलब क्या है कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो आपको वेट करना है यहाँ तक। अब अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज देता है तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे नीचे का और लॉन्ग करोगे, लेकिन अगर नहीं देता है फिर से रिजेक्ट होता है तो ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करोगे, जो अगला लेवल होगा वो $36,800-$36,900 का मैं देख रहा हूँ। तो इसीलिए आपको लेवल टू लेवल खेलना है, और लॉन्ग टर्म के लिए रिलैक्स होकर
करके आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑल्ट कॉइन में 40% तक का डिप हमें देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में। डरोगे तो क्या होगा, आपने देखा था, क्योंकि लोग खरीदने के लिए $48,000 पे तैयार थे, लेकिन अब जब नीचे जा रहा है तो लोग 38,000 पे डर रहे हैं। ये होता है ह्यूमन साइकोलॉजी। तो वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक पिन कमेंट में।